हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ SSC की तरफ से ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की अपडेट, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। JEE के रिक्रूटमेंट की अपडेट पब्लिश हुआ है जूनियर इंजीनियरिंग में, जहाँ पर अगर आप देखा जाए बहुत सारे वैकेंसी, 1300 से भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। आज इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। SSC की ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर फिर से बहुत सारे वैकेंसीज लेके अपडेट कर दिया गया है। ऑफिशियल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा हर बार की तरह। तो इस बार ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है JEE के, जिसके लिए आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। चलिए किस तरह से एप्लीकेशन करना उसको भी मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जुलाई से 2023 से शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 16 अगस्त 2023 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। जूनियर इंजीनियरिंग ग्रुप सी के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के ऊपर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लेके अगर आप डिग्री पास कर चुके तो एप्लीकेशन कर सकते हो। यही तरीके से अगर जूनियर इंजीनियरिंग सी, जो कि सिविल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इस तरह की जो यहाँ पे दिया गया है, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बहुत सारे जो है जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उन सारे प्रोजेक्ट के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के अंदर जूनियर इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसके बाद आता है, अगर देखा जाए, इसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो है सेंट्रल पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुविनेशन के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। फराक्का बैरेज के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एंड जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है मैक्सिमम 30 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एज रिडक्शन भी आपको मिलेगा, SC ST होने के लिए 5 ईयर्स, OBC होने के लिए 3 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, 1300 से भी ज़्यादा पोस्ट इस बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1324 वैकेंसीज है, तो इसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिडक्शन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ पे देख लिया, तो ऑनलाइन में आपको एप्लीकेशन करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको भरना होगा। तो क्या है एप्लीकेशन फ़ीस, चलिए देख लेते। 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल एंड OBC, बाकी कैंडिडेट SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं लगेगा। ऑल ओवर इंडिया में हर एक सिटीज़ के अंदर जो है जॉब लोग एग्ज़ाम सेंटर आपको दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।